कृषि कानून के विरोध में आंदोलन का आज तीसरा दिन। सिंह बॉर्डर पर हाईवे पर ही डटे किसान। पक रहा है पकवान, बेली जा रही है रोटियां, बन रही है सब्जी। किसानों ने हाईवे पर लाइन से खड़े किए अपने ट्रैक्टर, रोका रास्ता। प्रदर्शनकारियों की जिद, कृषि कानून वापस लेने पर ही खत्म होगा आंदोलन। सरकार लाठी मारे या गोली दागे। कितना देर मर्जी चल जाए, साल चल जाए, दो साल चल जाए, जो मर्जी गोलियां मारे जो मर्जी कर ले, वापस लेके वापस घुमाए, नहीं होना किसी बैठी रहो। सिंह बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के साथ ही बड़ी तादाद में मौजूद है सुरक्षा कर्मी भी। दिल्ली की सीमा पर पहुंचे किसानों को मिली बुराड़ी तक जाने की इजाजत। निरंकारी ग्राउंड में पहुंची कुछ प्रदर्शनकारी किसानों की टुकड़ियां। कुछ किसान संगठनों ने बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड में आने से इनकार किया। सरकार के सामने कृषि कानून वापस लेने की रखी शर्त। दिल्ली की सीमा पर डटे किसान, सड़क पर गुजरी रात, आज तय होगी आगे की रणनीति। दिल्ली में टीकरी बॉर्डर पर भी डटे हैं किसान, पीछे हटने को तैयार नहीं। टीकरी बॉर्डर पर बड़ी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती, बैरिकेड लगाकर रोकी जा रही है किसानों की राह। टीकरी सीमा पर डटे किसानों ने भरी हुंकार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह के साथ बुलंद किया नारा। मेरी जल्दी ख्वाहिश पूरी होगी, मैं कहना होता भी मैं शीश लाऊंगा। किसानों को याद आए दिवंगत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, साथियों को जय जवान जय किसान का याद दिलाया नारा। लगातार कोहराम के बीच नरम पड़े हरियाणा सरकार के रुख खोल दिए गए पंजाब से सटे बॉर्डर्स। बैरिकेडिंग हटाने के बाद हरियाणा में लोगों को मिली राहत, दिन भर सड़कों पर परेशान होते रहे लोग। भारतीय किसान यूनियन ने प्रयागराज कानपुर हाईवे पर लगाया जाम, दिल्ली जाने से रोकने को लेकर नाराजगी। झांसी खजुराहो हाईवे पर किसानों ने लगाया जाम, कृषि बिल को लेकर सरकार से नाराजगी। बिहार के समस्तीपुर में किसानों के समर्थन में उतरे माले कार्यकर्ता, हाईवे पर घंटों जाम। बिजनौर में बारात की फजीहत, किसानों के आंदोलन की वजह से बीच में ही फंसा दूल्हा। किसानों को बातचीत के लिए सरकार ने फिर दिया न्योता, कृषि मंत्री बोले 3 दिसंबर को होगी बात। को बातचीत के लिए किसान यूनियंस को हम लोगों ने आमंत्रण भेजा है। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। बुलंदशहर में किसान ने हाईवे पर लगाया जाम, घंटों तक परेशान होते रहे लोग। हरियाणा के सरसा में दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने दिखाया दम, नाका तोड़कर आगे बढ़े। जींद में किसान आंदोलनकारियों का सामने आया मानवीय चेहरा, जाम में फंसी एम्बुलेंस को निकलवाया। यूपी में योगी सरकार ने लव जिहाद पर कसा शिकंजा, बिना मंजूरी धर्मांतरण पर कानून के लिए अध्यादेश की मंजूरी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी आज मैराथन दौरे पर सबसे पहले पहुंचे अहमदाबाद, यहां जायडस बायोटेक पार्क में बन रही है कोरोना वैक्सीन, लिया जायजा। प्रधानमंत्री मोदी आज पुणे और हैदराबाद भी जाएंगे, यहां पर भी तैयार हो रही है कोरोना की वैक्सीन। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री, यहां ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड रेस में सबसे आगे। अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क में प्रधानमंत्री मोदी ने लिया कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा। अगले साल की मार्च तक भारत में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने का है अनुमान। वैक्सीन उपलब्ध होने पर टीकाकरण के लिए ग्रामीण अंचल में आंगनवाड़ी केंद्रों की ली जाएगी मदद, सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को मुहैया होगी कोरोना वैक्सीन। 30 नवंबर को संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, देव दीपावली में शामिल होंगे। पीएम मोदी के लिए वाराणसी में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, सीएम योगी ने खुद लिया तैयारियों का जायजा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 5400 से ज्यादा नए मामले, 5,51,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा नए केस, 93,51,000 के पार पहुंची तादाद। देश में पिछले 24 घंटे में 485 लोगों की कोरोना से मौत, 1,35,000 से ज्यादा गंवा चुके अपनी जान। देश में पिछले 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा रिकवरी, 87,18,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। महामारी में पिछले 24 घंटे में 6,400 से ज्यादा नए मामले, 18,00,000 के पार पहुंची तादाद। हैदराबाद में सियासी सरगर्मी तेज, निकाय चुनाव के लिए आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार। आज दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक योगी का रोड शो, अलका थिएटर ग्राउंड में जनसभा।
रविवार को गृह मंत्री अमित शाह भी जाएंगे हैदराबाद के दौरे पर। सिकंदराबाद में रोड शो करेंगे, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में करेंगे पूजा। निकाय चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल किया था रोड शो, 1 दिसंबर को मतदान। हैदराबाद नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान हादसा, टूट गया AIMIM नेता का मंच। हावड़ा में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष शेख निजामुद्दीन समेत कई कार्यकर्ताओं पर हमला, अस्पताल में कराया गया भर्ती। टीएमसी पर हमले का आरोप। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव का आज पहला चरण, रजौरी में वोटिंग जारी। उधमपुर में डीडीसी चुनाव के लिए पहले चरण के लिए हो रहा मतदान। जम्मू में दिखा डीडीसी चुनाव का उत्साह, बढ़ चढ़ कर लोग ले रहे हिस्सा। बांदीपोरा में कड़ाके की सर्दी के बीच लोगों में दिखा मतदान का उत्साह। जम्मू कश्मीर में आज जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी की कुल 43 सीटों पर मतदान, 43 में से 25 सीटें हैं कश्मीर में, और जम्मू रीजन में 18 सीटों पर मतदान जारी। आज 7 लाख वोटर्स करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल, दोपहर 2 बजे तक वोटिंग। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार हो रहे डीडीसी चुनाव, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। डीडीसी चुनाव से पहले महबूबा ने लगाया हिरासत में ले जाने का आरोप, चुनाव आयोग ने खर्च किया। यूपी के कौशाम्बी में तिलक समारोह में जश्न के लिए हुई फायरिंग में 4 महिलाएं घायल, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। यूपी के मैनपुरी में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल। बलरामपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक पत्रकार के घर में लगी आग, एक युवक की मौत, पत्रकार राकेश सिंह ने भी अस्पताल में तोड़ा दम। कोरोना काल में यूपी को मिली नई ट्रेन की सौगात, प्रयागराज से अंबेडकर नगर तक के लिए नई ट्रेन। पुंछ में बीएसएफ की सराहनीय पहल, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया। शाहजहांपुर में कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई, नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। देवरिया में बेकाबू ट्रक रेलिंग तोड़कर पुल पर अटका, ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर बचाई अपनी जान। मैनपुरी में बारात से भरी तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई, 25 बाराती घायल। बाराबंकी में संपत्ति के लालच में बेटे ने की पिता की हत्या, पेड़ से बांधकर कत्ल किया। बिहार की सीतामढ़ी में यूको बैंक लूटकांड का फरार अपराधी गिरफ्तार, 32 लाख की हुई थी लूट। औरंगाबाद पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम पर छापा मारा, 25 लाख का गुटखा जब्त। बिहार के कैनाल मैन के नाम से चर्चित लोंघिया भुया अब बना रहे हैं तालाब मछली पालन की योजना। पीलीभीत का दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने पहुंचा, देखने के लिए जुटी हजारों की भीड़। वलसाड में शादी के फेरे के वक्त पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, दूल्हा दुल्हन और बारातियों का आरटीपीसीआर टेस्ट। टेस्ट में बाराती निकले स्वस्थ, अकेली दुल्हन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कानपुर के अटल घाट में काशी की तरह शुरू हुई गंगा आरती, यूपी के मंत्री सतीश महाना की मौजूदगी में नई परंपरा का आयोजन। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी के बाद खुला मौसम, खिली धूप के साथ लौटने लगी रौनक। तेलंगाना के कडपा में भारी बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी, निवार तूफान का असर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बाढ़ के बीच फंसी बस, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। मदुरई में हो रही जबरदस्त बारिश, लगातार 2 घंटे तक बरसा पानी। सदाशिव डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से बागीचे के अंदर फंसा एक परिवार, रेस्क्यू में जुटा प्रशासन। पानी के बीच फंसे एक परिवार को साथ के साथ लोग ड्रोन की मदद से पहुंचाई जा रही राहत। गोरखपुर कैंट के पास धू कर जल गया रेल ट्रैक का स्कैनर इंजन, वेल्डिंग करते वक्त हुआ हादसा। बलिया में नाबालिग से छेड़छाड़ की कोशिश, विरोध करने पर गला काट कर हत्या। गौना में घर से लड़की को अगवा कर दरिंदगी, 2 सगे भाइयों पर आरोप। झालावाड़ में अज्ञात वाहन की चपेट में आया बाइक सवार पुलिसकर्मी, मौके पर मौत। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले में तब्बू राणा के प्रत्यर्पण की गतिविधियां तेज, नए साल में अमेरिका से लाया जाएगा भारत। हावड़ा के कपड़ा गोदाम में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों को घंटों तक करनी पड़ी मशक्कत। रामपुर में एक बुजुर्ग महिला की गला घोटकर हत्या, बहू पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। पंजाब के गुरदासपुर में ढाबे में चल रहे देव व्यापार का भंडाफोड़, होटल मालिक समेत 3 गिरफ्तार। अजमेर में पुलिस ने पकड़ा अवैध शराब का जखीरा, 60 लाख की अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा के मेवात में 4 बच्चियों की हत्या से मचा हड़कंप, सगी मां ने वारदात को अंजाम दिया। अमृतसर में गोली मारकर युवक की हत्या, वारदात के बाद भांगड़ा करते नजर आए अपराधी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सरकटी लाश मिलने से सनसनी, यूपी के रहने वाले राकेश के तौर पर हो रही पहचान। बागेश्वर में खाई में गिरी बारात की गाड़ी, 2 की मौत, 6 घायल। अलवर के पंजाब नेशनल बैंक में ताला तोड़कर बैंक में चोरी करने की कोशिश, नहीं तोड़ पाए चैनल गेट का ताला।
झांसी में गोली मारकर 25 साल की महिला की हत्या, जिले के सर्किट हाउस के करीब वारदात को दिया अंजाम। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर। पंजाब के फरीदकोट में लुटेरा गैंग का पर्दाफाश, हथियार के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं का हंगामा, सड़क पर घंटों लगाया जाम। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद फ्रांस में जारी विरोध प्रदर्शन, पेरिस में प्रतिबंधों के को लेकर जबरदस्त बवाल। कोरोना की दूसरी लहर से स्पेन में बड़े पैमाने पर जारी है तबाही, स्पेन के प्रधानमंत्री ने महामारी को बताया सदी की सबसे बड़ी त्रासदी। दोबारा कोरोना की चपेट में आया क्रोएशिया, बाजार और शॉपिंग मॉल बंद। कोरोना संकट के बीच ग्रीस में डॉक्टरों ने कुछ घंटों के लिए किया हड़ताल, पूरी तरह से चरमरा गई स्वास्थ्य सेवाएं। यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर के बीच रोम में मिले इटली और फ्रांस के वित्त मंत्री, कोविड-19 से निपटने को लेकर हुई चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।